जला ना खतरनाक आंख, बाप रे बाप। नाक में से घुसा पानी सर के अंदर सीधा ऐसो गया पानी। नया दिन, नई शुरुआत, नई कहानी और नया सीख। बाबा लोग, वेलकम टू माय चैनल एडाहोलिक व्लॉग्स। इट्स 11:59 AM पीएम बोलते हैं इसको, क्या तो बोलते हैं। इट्स ट्यूसडे एंड इट्स अगस्त 24th। आज का व्लॉग सिर्फ साफ सफाई के बारे में है, क्लीनलीनेस, हाइजीन, ये वो एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा, ऐसा आज का वीडियो है। आपको एक बार सीन दिखाता हूँ, किराक सीन है, एकदम किराक। सॉरी, हाथ फिसल गया। ये है अपना विश्राम करने का स्थल, जो कचरा पेटी हुआ पड़ा है। ये अपना टीवी, ये भी कचरा पेटी हुआ पड़ा है। सिस्टम अलग ही कचरा पेटी हुआ पड़ा है। सब का सब इधर कचरा पेटी ही हुआ पड़ा है। तो क्या है, कल उधर एडिटिंग करने का मन नहीं कर रहा था, सीपीयू हटाया, इधर लगाया, इधर लेट के एडिटिंग किया, फुल कचरा पट्टी कर दिया रूम को। आज पूरा रूम भी साफ करना है, अपनी पांडा को भी धोना है, साफ करना है, चेन क्लीन, चेन ल्यूब सब करना है। क्योंकि क्या है, हो सकता है कुछ खुशखबरी मिले आपको 2-3 दिन में, हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, कंफर्म होगा जैसे ही बात, वो आपको तब बताता हूँ। अभी क्या है, फट से पहले पांडा का काम करते हैं, फिर बाद में अपने रूम का। चलते हैं पांडा के पास। फेस मेट्स फेस। भाई साहब, गाड़ी धो के हो गया था, चेन क्लीन करना था, अभी टाइमलेस शायद चालू है, चेन क्लीन करना था, क्लीन कर भी रहा था चेन। अब चेन क्लीन करने के लिए चेन क्लीनर है नहीं मोटुल का, तो सोचा पेट्रोल निकाल लेते हैं। पेट्रोल निकालने के लिए गया स्टार सिटी का, पाइप ऐसा पूरा सामने ठहर के, पाइप थोड़ा पीछे किया, खुला पाइप, पेट्रोल फट से उड़ा सीधा आँख में घुसा, ऐसा जला ना खतरनाक आँख, बाप रे बाप। वो भाई के साथ भी हुआ था, छोटे भाई के साथ बहुत आँख, अभी भी थोड़ा थोड़ा जल रहा है। फट से आया, पानी वानी मारा, अभी पाइप तो निकल ही गया कैसे भी, तो पेट्रोल निकाल के चेन क्लीन कर देता हूँ। पर क्या है, बी केयरफुल व्हेन यू आर टेकिंग द पेट्रोल पाइप आउट। पेट्रोल के साथ कभी भी मजाक नहीं करने का, भुगतना पड़ता भारी कॉन्सिक्वेंसेस। देखो तो माल क्या चमक रही है, माल मतलब पैंडा, पैंडा मतलब मेरा इनस 200 चकाचक। ये देखो, आँख जलाने के बाद इतना क्लीन किया चेन को, घिस घिस के, एक नंबर, लव यू पैंडा, लव यू। बाबा हालत ऐसा ख़राब हो गया था ना आँख में पेट्रोल घुसने के बाद, वो तो अच्छा हुआ कि फट से मुंह धो लिया, पापा को बोला पाइप चालू करो जल्दी, घुस गया आँख में पेट्रोल। तो पाइप लेके क्या किया सीन, पाइप लेके सीधा ऐसा मुंह पे प्रेशर मारा, नाक में से घुसा पानी सर के अंदर सीधा ऐसो गया पानी, फिर सर पकड़ा, वो अलग सर दर्द। थोड़ा एक 10-15 मिनट शांति से बैठा, गाड़ी धोने के बाद, चेन क्लीन करने के बाद ही, काम करने से पहले खाली नहीं बैठते हैं और बैठेंगे भी नहीं, वो सब काम ख़त्म किया। थोड़ा एक 10-15 मिनट खाली बैठा, फिर रूम का साफ सफाई किया, रूम का सब सेटअप चेंज किया। वो सेटअप क्या है, चेंज करने के बाद आपसे ये बात कर रहा हूँ मैं। अभी क्या है, आप लोग पहले सेटअप देख लीजिए, सेटअप देखने के फर्स्ट से टाइम लैप्स आएगा, वो टाइम लैप्स देख लीजिए, फिर मिलते हैं टाइम लैप्स देखने के बाद। इधर ही हूँ, कहाँ जा रहा हूँ। कैसा लगा, एक नंबर सेक्सी लगा ना, कमेंट मारो नीचे कैसे लग रहे वीडियोस, बहुत दिन से बोल रहे हैं यार कमेंट ही नहीं करते हो आप लोग, अरे किया करो यार, इंस्टा पे भी फॉलो करो, नीचे हैंडल आ रहा है @itsakashdeshmukh। तो क्या है, इतना सब सीन हुआ, अभी थक के चूर हो गया, ये पसीना इसीलिए छूट रहा है क्योंकि पंखा अपने वायुपुत्र बंद है, इसीलिए इतना क्या है छूट रहा है पसीना। मम्मी ने बहुत हेल्प किया, नहीं हेल्प करते तो शायद ही हो पाता आज। आज क्या है, ज़्यादा बीरोल वो सब नहीं निकालूंगा क्योंकि टाइम इज ऑलरेडी कितना 3:05 हो रहा है, 4 बजे तक एडिट करके 5:30 या 5 o'clock तक अपलोड भी कर देना है आज का वीडियो।
एक बार सेटअप दिखा देता हूँ कैसा कैसा किया। ये देखो अपना पहले का ही पुराना सोफा, बैठ के नेटफ्लिक्स एंड चिल करने के लिए। ये सामने नेटफ्लिक्स, ये अपने पोस्टर्स, और ये है अपना पीसी। पीसी का इधर सेटअप कर दिया, वो सब वो फोम पैनल्स लगाया था उधर, पर उसका सीन क्या हो गया ना, वो टेप से निकल के गिर रहा है। इधर भी तीन लगाया था, उधर चार पांच थे, सब निकल गए। उसको क्या करूँगा, कल एक लाल वाला टेप मिलता है डबल साइडेड, स्ट्रांग रहता है, वो ला के चिपका दूंगा। अभी के लिए सॉरी, नो बी रोड्स। और इधर बुक्स भी है मेरे, ये क्या है, एक इमॉर्टल्स ऑफ मेलुआ है, एक नागास है, एक वायबुत्रास है, और एक शेरलॉक होम्स का है। नागास क्या है, नागास का विष्णु लेके गया, उसका फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ। तो ऐसे ऐसे राउंड्स में चलते रहता है, दोस्ती है तो निभाना पड़ेगा, ये सब थोड़ी चलेगा। विष्णु बिना बुक क्या है, गीचे गीचे मतलब उस पर बिना स्क्रिबल किए लौटा देना, नहीं तो क्या है, हम जनता देख रहा है, केस पड़ जाएगा। तो पीछे से एक बार दिखा देता हूँ कैसा दिख रहा है रूम, एक नंबर, मतलब वाइड एंगल में ऐसा कुछ दिख रहा है। यह एंगल इधर से अच्छा नहीं दिखता है, बाकी रूम एक नंबर का सेक्सी लग रहा है। हाथ भी दुखने लग गया, अभी एंड कर देता हूँ व्लॉग यहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन। नए हो चैनल में तो चेहरे नए दिख रहे हैं, चेहरा है अभी तो चेहरे दिखेंगे बाद में, तो क्या है सब्सक्राइब कीजिएगा, और हो गया लाइक कमेंट शेयर तो आपके ऊपर है, जैसे बताता हूँ पहले से ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, फिर कल ही आएगा। लिव लाइफ इन पीस, पीस आउट, हर हर महादेव।